साल यहाँ पर चार्ट आउट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल सा हो गया। अनुज, आप कैसे देखते हैं फूड ग्रेन्स के प्राइसेस एज ऑफ नाउ, और जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने ना सिर्फ गेहूं में, रबर का भाव 19 महीने के लोस पर है, पाम तेल में 4% की गिरावट देखने को मिली है, तो काफी हद तक जो फूड आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल फूड, एग्रीकल्चर आइटम्स भी हैं, सभी में फिर से गिरावट। देखिए, जो हम आज से अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तो उस टाइम सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड था, और जैसे जैसे मॉनसून ने रिवाइव किया है और जो रशिया यूक्रेन से एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में गिरावट आती हुई देखी। हालांकि जो गिरावट स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले एडिबल ऑयल्स में स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने फूड ग्रेन्स में आती हुई देखी, और अब इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जैसे कॉटन, ग्वार के अंदर हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में जो एक इन्फ्लेशन का हम देख रहे थे वो धीरे धीरे यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह से हम देखें तो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, एशियन इकोनॉमीज हैं, सभी की करेंसी यहाँ पर अप्रिशिएट हुई है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मॉनसून ने रिकवरी ली है भारत के अंदर, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो एक जो इंडिकेशन है सेलिंग प्रेशर वो यहाँ पर रहेगा। हालांकि अगर हम गेहूँ को देखें तो डेफिनेटली FCI के गोडाउन में अभी नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर तेज हो सकता है, मगर अगर हम बाकी खाद्यान्नों की बात करें तो वहाँ पर हम आने वाले दिनों में एक गिरावट का ट्रेंड ही आते हुए देखेंगे। अनु, जिस तरह से मॉनसून की प्रोग्रेस होते हुए नजर आई है, जिसका असर हमने गुआर पे और बाकी कई फूड आइटम्स पे भी आता हुआ देखा, आपको लगता है वो भी जारी रहेगा फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ एग्री ऐसी कमोडिटी हैं जो कि एक गिरावट के बाद बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, जैसे हम ग्वार को अगर देखें तो ग्वार क्योंकि इंडस्ट्रियल आइटम है और लोअर लेवल आने के बाद इसमें अगेन हम एक्यूमुलेशन आते हुए देखते हैं, और हमने इसके टेक्निकल चार्ट में भी देखा और हिस्टोरिकली भी देखा, जब भी भाव नीचे आते हुए देखते हैं तो अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग सिनेरियो है। अगर हम ग्वार की को पर्टिकुलर देखें तो मुझे लगता है कि अभी कमोडिटी धीरे धीरे बॉटम आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इस कमोडिटी के लिए होल्डिंग के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग लगानी नहीं पड़ती और नीचे लेवल आने के बाद इसमें खरीदारी लौटती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाव ज़्यादा नीचे आएंगे तो खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा और अगेन हम इसके भावों में एक अच्छी बढ़त बनते हुए देखेंगे। जहाँ तक कॉटन का सवाल है, कॉटन की हम बुआई अच्छी देख रहे हैं इस बार, हालांकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो क्रॉप है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई भी दिख रही है, बट ओवरऑल अगर देखें तो एकरेज इस बार बड़ी है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत नरमी यहाँ देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम धान की अगर बात करें तो अच्छी इस बार बुआई यहाँ पर होती हुई दिख रही है, अच्छा बारिश यहाँ पर हो रही है, उससे काफ़ी हद तक क्रॉप को सपोर्ट मिलेगा और आगे एरिया भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि अगर हम अनाजों की बात करें तो वहाँ पर हम नरमी आते हुए देखेंगे, और इंडस्ट्रियल कमोडिटी मुझे लगता है कि लोअर लेवल होने के बाद एक नई खरीदारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ओवरऑल एग्री कमोडिटी।